हेलो गाइस, देखिए केएसबी का मोटर है दोस्तों, इसका पंप ख़राब हो गया था। इसी पंप को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। कैसे इस पंप को रिपेयर करते हैं तो देखिए दोस्तों, कैसे एम्पिलर हम बैठा रहे हैं। ऐसा एम्पिलर बैठाइए कि हर एम्पिलर के नीचे गैप होना चाहिए और ऊपर भी गैप होना चाहिए। ध्यान में देखिएगा दोस्तों, देखिए एम्पिलर ये बैठा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए हर एम्पिलर के नीचे गैप हम रख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको भी हम दिखाएंगे हर एम्पिलर के नीचे गैप रखना जरूरी होता है दोस्तों। हर एम देखिए दोस्तों, हर एम्पिलर जो भी एम्पिलर बैठा रहे हैं इसमें गैप है। देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए दोस्तों, ऊपर नीचे ये होना चाहिए। जब भी आप पंप फिटिंग करेंगे नचा कर, हर जब भी आप एम्पिलर बैठाइए नचा कर देखिए, ऊपर नीचे कीजिए, पंप फिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये पंप फिटिंग हो रहा है। देखिए हर एम्पिलर के नीचे, तब इसको हम बैठाएंगे ऊपर का ढक्कन। ये केएसबी का मोटर है दोस्तों, 3 HP बोरिंग वाला, जो खेत बटाने के लिए काम में आता है, खेतों की सिंचाई करने के लिए काम में आता है। ध्यान में देखिए दोस्तों, 4 mm 5 mm गैप रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें 5 mm 6 mm गैप रखे हैं इस एम्पिलर के नीचे। आप भी 4 mm 5 mm गैप रखिए। देखिए दोस्तों, ये हम हर एम्पिलर के जगह पे 5 mm 4 mm 6 mm गैप रख रहे हैं। आप भी गैप रखिए। अगर और ऊपर अगर ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर भी गैप है। जितना ऊपर गैप रहेगा उतना ही स्टार्ट ऊपर होगा, नहीं तो ऊपर नहीं होगा। ऊपर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे एम्पिलर के ऊपर गैप नहीं है। नीचे तो गैप हमें दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, नीचे गैप दिखाई दे रहा है 4 mm का। देखिए नचा रहे हैं तो शॉर्ट नहीं रहा, नाच रहा है एकदम फ्री। इसका मतलब कि नीचे गैप है। और ऊपर से हम नचा कर इसको टांगेंगे तो ऊपर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नीचे भी होना चाहिए। इसका मतलब कि ऊपर भी गैप है, नीचे भी गैप है। गैप हमें रखना जरूरी है, उचित है दोस्तों, तभी पंप फिनिशिंग माना जाएगा, नहीं तो पंप फिनिशिंग नहीं है। चलिए दोस्तों, देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये हम पंप को सारा एम्पिलर फिट कर लिए हैं। आप भी देखिए दोस्तों, नीचे से ध्यान दीजिए, नीचे से नच रहा है ना, नचा कर देखिए। देखिए दोस्तों, यह सारा एम्पिलर को हम फिट कर चुके हैं। ऊपर का हम नट बोल्ट लगा देंगे। देखिए गाइस, सारा हमें पिलर बैठा लिए हैं। ये बूस्ट को डालेंगे। देखिए अब ऊपर ले नट को कसेंगे। पिलर के पे दबाव पड़ना चाहिए, 1 mm 2 mm दाब पिलर पे पड़ना चाहिए, कोई पिलर ऊपर नीचे घस के उसके ना। देखिए दोस्तों, हमने कस लिए। इस बल्ब के ऊपर भी हम दाब देंगे 2 mm 1 mm दाब। देखिए इस तरह पंप होना चाहिए। इस तरह आपका पंप हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका पंप फिनिशिंग है। देखिए दोस्तों, ये पंप हम बैठा रहे हैं, पंप पूरा फिनिशिंग तरीके से हम सेटिंग कर दिए। देखिए दोस्तों, 2 mm गैप रखना है एम्पिलर से, पंप ऊपर होना चाहिए। जब नॉट कसेंगे तो ये सट जाएगा, तो दबाव पड़ेगा बल्ब के ऊपर, दबाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 2 mm का गैप हम रखे हैं, इस नॉट को फंसा रहे हैं। ये हमारा एम्पिलर देखिए दोस्तों बनकर रेडी हो गया। इस तरह होना चाहिए पंप। जब भी आप पंप सेटिंग कीजिए मोटर में ही पंप कस कस सेट कीजिए, अच्छा रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों।